आहिल बेटा, अभी नहीं बेटा, पहले खुतबा तो पढ़ने दो। अब तुमने जब तय किया है कि तुम सारे रस्मों और रिवाज के साथ निकाह करोगे, तो थोड़ा इंतजार तो तुम्हें करना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ मैं, इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। अब हम सब खुतबा पढ़कर अल्लाह ताला से इस नए जोड़े के लिए दुआ मांगे ताकि इनकी मोहब्बत दिनों दिन बढ़ती रहे और इनका यकीन एक दूसरे पे कभी न टूटे। अब हम दुआ शुरू करते हैं। एक मिनट काजी साहब, माफी चाहता हूं मैं। आप खुतबा शुरू करें उससे पहले मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूं। या अल्लाह, कहीं आहिल को इस लड़की पर शक तो नहीं हो गया? We'll be right back.
चाहिए वो मैं हासिल करके आऊंगी। रजिया नाम है मेरा, पारा। हिम्मत है तो पारा। ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो, बंद करो चूहे बिल्ली का खेल। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम कैसे कैसे राहत भाईजान जैसे इंसान पर यकीन कर सकती हो। आया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जहन में मेरे खिलाफ इतना जहर घोल दिया गया है कि मेरे कुछ भी कहने पे तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं अपनी बेगुनाही का सबूत अपने साथ लेकर आऊँ। जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है। सनम को वहां ना पाकर सब लोग परेशान हो गए होंगे। चलो जल्दी चलो। चोट लग गई क्या बड़ी अम्मी? बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूं, पैर मुड़ गया।
लोग परेशान मत हो, जाओ बेटा नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, जाओ जल्दी जाओ। जाओ मतलब? बड़ी अम्मी मैं आपको इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, ये आपको भी पता है। चलो सहरे ने हॉस्पिटल लेके चलते हैं, उठिए आप। नहीं बिल्कुल नहीं, बड़ी अम्मी को डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगी, तुम्हारा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। बड़ी अम्मी ने कहा ना, तुम जाओ मैं लेके चलती हूँ। शहर में कहीं नहीं जाऊंगी इस तरह बड़ी अम्मी को छोड़ के, कैसी बातें कर रही हो? उठिए आप चलिए। बोलो ना कुछ। बड़ी अम्मी ठीक कह रही, देखो देखो मैं संभाल लूंगी यहाँ सब कुछ, तुम जानती हो ना अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा देर हो गई तो। आज मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, मगर मेरा गुजरा हुआ कल मेरी गलतियों से भरा हुआ है और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। निकाह जैसे रिश्तों को कभी अहमियत नहीं दी, प्यार मोहब्बत जिंदगी भर का साथ निभाने वाले लफ्ज मेरे लिए बने ही नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। मैं बदल गया और मुझे बदलने वाली और कोई नहीं, मेरी मोहब्बत सनम। आहिल अब पहले जैसे नहीं रहे, मेरा यकीन कीजिए वो बदल गए, और मेरा दिल कहता है वो मेरा इंतजार करेंगे, क्योंकि अब वो सब कुछ समझते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, और जब उन्हें पता चलेगा ना कि मैं देर से क्यों आई हूं तो वो सब समझ जाएंगे। ऐसे ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। जानती हूँ पहले आहिल मुझ पे यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब वो मुझ पे यकीन करते। मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा सनम पे यकीन करता हूँ। सनम ने बड़ी शिद्दत से बड़ी मोहब्बत से मेरा साथ दिया है, मैं तो उसके उसके काबिल ही नहीं था। काजी साहब, हम कभी जिंदगी की जद्दोजहद में इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी हम अपने आप को ही खो देते हैं। मैं भी इस उलझन में कहीं खो गया था, मगर सनम ने मुझे उस आहिल से मिलवाया जो सच्चा है, जो प्यार करना जानता है, जो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है, जो खुश रहना जानता है। मुझे मोहब्बत करने लगे, और देखिएगा बड़ी अम्मी कुछ कुछ खराब नहीं होगा, चाहे जितने मर्जी दूर हो लेकिन हमारे दिल जुड़े हुए हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। बढ़िया आप फिक्र मत कीजिए। तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगा, इतनी मोहब्बत करूंगा कि मोहब्बत को भी मेरी मोहब्बत से जलन होने लगेगी। आई लव यू सो मच सना। काजी साहब, ऐसे जश्न के माहौल में वो तो होना ही चाहिए, आइए ना। लाहौल विला कुवत। मोहतरमा आप ये क्या फरमा रही हैं? काजी साहब, इनका मतलब नाच गाने से था। नहीं, अरे मेरा मतलब है कि वो जो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। मतलब उसके अलावा जो हम लोग करते रहते हैं, जल्दी बोलो क्या समझ रहे हैं? उसके अलावा तो हम लोग दिन भर खाना खाते रहते हैं। काजी साहब आइए खाना खाइए। हाँ काजी साहब। आइए। क्या हुआ, बहुत नर्वस फील कर रही हो? सब ठीक तो है? अरे आहिल बेटा, तुम्हें तो सनम को जिंदगी भर देखना है, थोड़ा सा तो सब्र कर लो। गजाला, सनम को उसके कमरे में ले जा। जी बेगम साहिबा। चलो सनम। मगर अम्मी, आहिल
हेलो, मैं मासीमा। सलाम वालेकुम। और मैं मिनीमा, दिल्ली से। हम कब से आप लोग का इंतजार कर रहे थे। बेगम साहिबा, आपको बेटे का निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। आप तो तकदीर वाली हैं। आपको सनम जैसी बहू जो मिली। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, सनम जैसी लड़की किस्मत वालों को ही मिलती है। सही बात है बेगम साहिबा, आपने अपने आहिल का घर तो बसा दिया, अब आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। मदद? हाँ, हम भी तो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। और हमें अपनी बहू करोड़ों में एक चाहिए, फिर चाहे उसके लिए हमें पूरा देश क्यों न छानना पड़े। हाँ देखिए ना, हम दिल्ली से भोपाल आ गए लड़की ढूंढते ढूंढते, लेकिन एक अच्छी लड़की नहीं मिली। कब बेटा तो अच्छा है ना, तो फिर बहू क्यों नहीं मिल रही है। अब क्या है, बहू उस घर कैसे पधारे जहाँ सात सासे आरती उतारे। सात सासे? अरे अरे, एक घर में सात सासे कैसे हो सकती है? उसके लिए ना आपको 3 दिसंबर रात को 10 बजे हमारे यानी सतरंगी ससुराल आना पड़ेगा। जी जरूर आएंगे। और अब तो हम भी जाने के लिए बेकरार हो रहे हैं कि आपके बेटे की जिंदगी में कौन आती है। और ये जरूर कहेंगे कि इस सतरंगी ससुराल की हर बात सतरंगी जरूर होगी। बिल्कुल। शुक्रिया। चले, अल्लाह हाफिज। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसा दिन देखूं। मेरे दोनों आंखों की रोशनी मेरे सामने, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। सिर्फ एक कमी, क्या तुम मुझे असद और जोया के पास ले जा सकती हो? उनकी कब्र तक ले जा सकती हो? जरूर ले चलेंगे बड़ी अम्मी, लेकिन आज नहीं। देखिए, आज आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इस लायक नहीं है कि वहां चल पाए। आप आज आराम कीजिए, हम आपको कल ले जाएंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आज का दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ मिलके बिताऊ, तभी मुझे सुकून मिलेगा। ठीक है बड़ी अम्मी, हम आपको अम्मी और अब्बू की कब्र तक ले जाएंगे।